सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। है ना, सुबह जब मैं सो के उठा था करीब 7:30 के बाद, इतना ज़्यादा ओस हो गया था बाहर में, मतलब हवा भी बहने लगा था अचानक से। मतलब पहले तो धूप निकला हुआ था करीब 7:30 बजे के बाद, एंड उसके बाद 8 बजे तक पूरा कुहासा हो गया था। एंड अभी सब फिर नॉर्मल हो गया, फिर से धूप निकल गया। तभी चलते हैं चाय वाय पीते हैं एंड चलते हैं दुकान में। सो ये देखिए, अभी मौसम पूरा धूप हो गया अभी, एंड सुबह का टाइम इतना कुहासा हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था ये सब पार्ट। तो मैं आंस को लेके गया था बाहर, दुकान में ही था, मतलब सो के उठ के सीधा आंस को लेके बाहर गया था। वो बहुत हल्ला कर रहा था इसलिए, तब तो बाहर में इतना हवा बह रहा था। उसके बाद फिर उसको अचानक फटाफट घर पे लेके आ गया मैं, क्योंकि पूरा ठंडा लग जाएगा उसको। तभी चलते हैं चाय वाय पीते हैं, पी लेते हैं गर्म पानी एंड उसके बाद पियेंगे चाय। सो गाइस, आज है सैटरडे एंड मम्मी आई है मंदिर, तो मैं अभी मम्मी को लेने आया हूँ स्कूटी से। तो गाइस, अभी पूजा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तभी चलते हैं वापस घर पे, चाय वाय पीते हैं एंड बाद में आएंगे। सो गाइस, अभी मैं हूँ दुकान में एंड इधर चाय रेडी है मेरा, पापा का और एक लड़का है उनका, सुमन का। तो तीन आदमी का तीन चाय। एंड इधर क्या रखा हुआ, तो इधर निमकी रखा हुआ है, तो इससे खाएँगे चाय। एंड दुकान में चूहा से पूरा परेशान करके रखा है। कल ही एक बस्ता काटा था तो उसको चेंज किया, तो मतलब परसों काटा था चेंज किया, आज फिर काट दिया उसको। तो ये वाला चावल का बस्ता चेंज किया था एंड ये देखिए फिर से एक बार काट दिया यहाँ पे। ये देखिए सेम जगह में इसको, जबकि मैंने चेंज भी किया था इसको। सो गाइस, अभी मैं सुबह से सामान ही लेके आ रहा हूँ एंड ये देखिए बैग में सामान है एंड अभी मैं जा रहा हूँ दुकान में। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है करीब 5:00 बज रहे हैं एंड बाहर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अंधेरा होने का स्टार्ट हो गया है। एंड अभी मैं बना रहा हूँ चाय, क्योंकि आज मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया है दोपहर के बाद से, तो अभी चाय मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि अभी चाय लेके जाना है दुकान में। तो चाय मैं ऑलरेडी यहाँ पे पानी रख दिया हूँ, तो यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, तो फटाफट चाय बना लेते हैं एंड उसके बाद चलते हैं दुकान में। सो चाय अभी थोड़ा देर में और बन जाएगा एंड इधर मैंने दूध रख लिया है एंड इधर चाय। तो मैं करीब मतलब ना भी हो तो 1 साल तो ज़्यादा ही हो गया होगा चाय बनाए हुए, मतलब घर के लिए, खुद के लिए तो बना ही लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं तो कैसे भी पी लेता हूँ, मतलब जैसा भी बनता है मेरे लिए तो मतलब ठीक ही बनता है, मेरे लिए तो मतलब ठीक ही बनता है, दूसरों के लिए नहीं पता। तो आज दूसरों के लिए भी बन रहा है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा उबलने का इसे, उसके बाद फिर इसे दूध को रखते हैं एंड उसके बाद छानते हैं सामान में से ले लेते हैं। तो ये रहा, इससे भी छान लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि दूध थोड़ा कम हो जाएगा इसमें शायद, देखते हैं जैसा भी होगा पी लेंगे, मतलब पीना पड़ेगा जैसा भी हो। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है देखने में, तो थोड़ा इसे उबलने देते हैं फिर देखते हैं। एंड चीनी का भी मुझे डाउट लग रहा है कि चीनी कैसा होगा इस पर, एंड इतने साल बाद मैं बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे खुद पे डाउट हो रहा है कि कैसा बन रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, बन जाएगा तो पीना ही पड़ेगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ इसे उबलने का, उसके बाद इसे ग्लास में रखेंगे एंड फिर लेके जाएंगे नीचे एंड मम्मी को भी देना है, मम्मी को भी चाय दे देंगे एंड फिर दुकान में जाएंगे। Memories fade away, without, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. कंट्रोल देखिए, कंट्रोल मेरा भी ये देखिए, ये देखिए कंट्रोल है मेरा, ये
पता चल जाएगा। जो बिना देखे मैं देख भी नहीं रहा हूँ गैस पे, बस ज़्यादा मजाक नहीं, उसके बाद भी चलते हैं, बन कर हो गया, बहुत बन गया चाय। पानी सो चाय मैंने दे दिया मम्मी को एंड गर्म पानी चाहिए था तो वो भी मैंने दे दिया ग्लास। अभी चलते हैं दुकान में चाय लेके, लाइट बंद कर देते हैं एंड ब्लू लाइट जल रहा है। सो गाइस अभी जस्ट मैंने डिनर कर लिया है एंड ब्लॉग को भी मैंने कर दिया है अपलोड, तो अभी थोड़ी देर में मैं सो भी जाऊंगा क्योंकि सारे काम तो मैंने कर दिया। ब्लॉग को मतलब मेन काम ये रहता है कि ब्लॉग को अपलोड करना है टाइम टू टाइम, तो ब्लॉग को मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है जो कि कल हम 3:30 हो जाएगा लाइव। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम डेली ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आज शाम के टाइम मैं बाहर भी नहीं गया था क्योंकि मैं दुकान में ही था पूरे टाइम एंड उसके बाद दुकान बंद होने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुआ, थोड़ा कुछ काम था दुकान के तो वो कर रहा था एंड अभी जस्ट मैं खाना वाना खा के ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आज के लिए ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ।